माई चैनल, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं। मेरा नाम तनु है और इस चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बजट फ्रेंडली क्लासिक एंड एलिगेंट हॉल्स। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्किन केयर एंड लाइफस्टाइल वीडियोस। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो या ये इंट्रो पसंद आए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट वुड जेन्युइनली मीन अ लॉट टू मी। तो आज आप टाइटल से और मुझे देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सुंदर एथनिक वेयर जो मैंने पिकअप किया है फ्रॉम वन ऑफ माय फेवरेट वेबसाइट कॉल्ड एथनिक प्लस। एथनिक प्लस वेबसाइट पे आपको हर एक स्टाइल का एथनिक वेयर मिल जाता है, चाहे वो लहंगाज हो, सूट्स हो, साड़ीज हो, और ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है एंड दे आर वेरी बजट फ्रेंडली। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सुंदर लहंगा जो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के हैं, प्लस मैंने एक बहुत ही सुंदर साड़ी भी पिकअप की है फ्रॉम एथनिक प्लस। तो अगर आप जानना चाहते हैं व्हाट्स इन स्टोर देन कीप ऑन वॉचिंग। मुझे एथनिक वेयर पहनना बहुत पसंद है क्योंकि एक तो वो बहुत ही लीगल भी है, ट्रेडिशनल भी है, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट एथनिक वेयर हर एक बॉडी टाइप पे बहुत अच्छा लगता है। चाहे आप साड़ी ले लीजिए, सूट्स, लहंगा, वो सब हम सब पे हमेशा ही अच्छे लगते हैं। एंड दैट्स व्हाई मैंने बहुत ही सुंदर लहंगास पिकअप किए हैं फ्रॉम एथनिक प्लस। मुझे एथनिक प्लस के लहंगास बहुत ही पसंद आते हैं क्योंकि एक तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक का होता है, प्लस वो बहुत ही फ्लैरी लहंगास होते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट लहंगा ऑन द हॉल। सबसे पहला लहंगा इज द वन दैट आई एम वेयरिंग। ये बहुत ही सुंदर फ्लोरल प्रिंटेड लहंगा है जो मुझे बहुत ही ट्रेंडी भी लगते हैं और थोड़े से अलग लगते हैं। बस ये बहुत ही गॉर्जियस फ्लोरल प्रिंट का है तो एक तो हाईलाइट भी हो जाता है बिकॉज इट्स प्रिंटेड, प्लस ये फ्लोरल है तो एलिगेंट भी लगता है। तो मैंने इसे पिकअप किया है डार्क ग्रीन कलर जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर सीक्वेंस से फ्लावर्स भी बने हुए हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लहंगा इज कि एक तो इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा नाइस सॉफ्ट शिफॉन है, तो उसके ऊपर जो प्रिंट है वो एक तो बहुत अच्छा भी लग रहा है, प्लस ये बहुत ही एक्सपेंसिव लगता है थैंक्स टू दिस फैब्रिक। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इस लहंगे का फ्लेयर बहुत ही अमेजिंग है। ना इस लहंगा के साथ में मैचअप करने के लिए चोली भी आती है जिसके ऊपर सीक्वेंस का काम है और जो बेस है वो सिमिलर फ्लोरल प्रिंट का है। ना मैंने ये चोली तो स्लीवलेस बनवाई है, पर इनके आप चाहते हैं कि आपकी चोली की में स्लीव्स भी हो तो इसके साथ में एडिशनल फैब्रिक भी आता है और इस पूरे लुक को कॉम्प्लीमेंट करता है ये फ्लोरल प्रिंटेड दुपट्टा। बहुत ही सुंदर है क्योंकि फैब्रिक इतना अच्छा है एंड ऑन द बॉर्डर इसके ऊपर सीक्वेंस और थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी का काम है इन अ गोल्डन। नेक्स्ट मैंने एक बहुत ही सुंदर लाइट पैस्टल कलर का लहंगा सेट पिकअप किया है इन अ वेरी नाइस स्काई ब्लू कलर। ना मोस्ट टाइम आपको लगेगा कि स्काई ब्लू कलर है, बहुत ही लाइट शेड है, तो आप इसे सिर्फ डे फंक्शन में ही पहन सकते हैं। बट कॉन्ट्री टू दैट आई थिंक लाइटर शेड्स के लहंगास या साड़ीज अगर आप पहनना चाहते हैं इवन फॉर नाइट वेयर, हैवी फंक्शंस, वेडिंग फंक्शंस, तब भी उनमें बहुत अच्छा लगता है बिकॉज दे हैव अ रीगल एंड अ वेरी एलिगेंट टच अटैच टू इट। नाउ कमिंग टू द लहंगा स्कर्ट, एक तो ये काफी फ्लैरी है और इस लहंगा का जो टॉप लेयर है वो बहुत ही सॉफ्ट लाइट मटेरियल का है और इसके ऊपर बहुत ही सुंदर काम है इन अ सिल्वर कलर। नाउ इसको देखने से ऐसा लगता है कि इसके ऊपर मिरर का काम है, बट इट्स अ वेरी नाइस फेल्ट लाइक मटेरियल तो ऐसा वाइब देता है कि मिरर का काम है। आई ऑलवेज गो फॉर दीज आउटफिट जिसमें एक्चुअल मिरर्स ना हो क्योंकि मिरर्स जब भी मैं पहनती हूँ एक तो वो अनवांटेड वेट ऐड कर देते हैं टू द एंटायर आउटफिट। सो टू अवॉइड ऑल ऑफ दैट आई ऑलवेज गो फॉर दीज काइंड ऑफ आउटफिट। इसके साथ में अगेन सिमिलर कलर की चोली आती है विद अ सिमिलर वर्क स्टाइल। नाउ इसकी जो स्लीव्स है वो मैंने लंबी बनवाई है और इसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये नेट का दुपट्टा आता है अगेन इन अ स्काई ब्लू कलर। इसके ऊपर सिमिलर काम है ऑन द बॉर्डर एंड ऑल्सो ऑन द बॉडी ऑफ द दुपट्टा। लुक्स वेरी गॉर्जियस और काफी लंबा दुपट्टा है। सो इनकेस आप भी अपने लिए ये बहुत ही सुंदर लहंगा या जो साड़ी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो पिकअप करना चाहते हैं, आई विल मेंशन ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सिंस मुझे फ्लोरल पैटर्न्स, प्रिंट्स और एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद है तो फाइनली आई फाउंड दिस वेरी गॉर्जियस ऑफ वाइट कलर का लहंगा जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी है फ्लोरल फॉर्मेट में। नाउ जस्ट लुक एट द गॉर्जियस वर्क, प्लस इसका हेमलाइन बहुत ही सुंदर है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी का काम है एक पिंक, डार्क पिंक, ग्रीन कलर, तो बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है दिस ऑफ वाइट कलर, प्लस इसके ऊपर सीक्वेंस का काम है ऑल थ्रू आउट द हेमलाइन, बहुत ही इलैबोरेट लग रहा है। सेट के साथ में जो चोली है उसके ऊपर अगेन जैसे हेमलाइन पे था सिमिलर एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस का काम है ऑल थ्रू आउट, जस्ट लुक इट्स फिल्ड अप विद दैट देन सिमिलर फैब्रिक इज अवेलेबल, तो आप आसानी से अपनी फेवरेट की लेंथ ऑफ द स्लीव्स ऐड कर सकते हैं टू द चोली। नाउ इस पूरे सेट का हाईलाइट इज डेफिनेटली द एम्ब्रॉयडरी और जो सीक्वेंस का काम का कॉम्बिनेशन है ऑन द चोली एंड ऑल्सो ऑन द लहंगा स्कर्ट। तो इसके साथ में बहुत ही सिंपल, बहुत ही म्यूटेड दुपट्टा आता है, अगेन नेट का दुपट्टा है ऑफ वाइट कलर का
और आई जस्ट वॉन्ट दैट काइंड ऑफ अ दुपट्टा जो इस काम को हाईलाइट करे ना कि हाइड करे. सो दिस नेक्स्ट मैंने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही लीगल और बहुत ही ट्रेडिशनल लहंगा पिकअप किया इन अ मरून रेड कलर जिसके ऊपर गोल्डन जरदोजी वर्क है ऑल ओवर इट. ये बहुत ही ट्रेडिशनल है बट एट द वेरी सेम टाइम ये बहुत ही रीगल काम है इसके ऊपर. नाउ ऑन टॉप ऑफ दैट इसका जो लहंगा है वो काफ़ी फ्लैरी है एंड आई जस्ट लव द वर्क ऑन दिस. आई थिंक इसके ऊपर जो काम हुआ है वो बहुत ही एक्सपेंसिव लगता है. नाउ इस सेट के साथ में सिमिलर चोली आती है, लुक एट द गॉर्जियस चोली. अगेन इसके ऊपर जो जरदोजी का काम है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही डेलिकेट है. तो जस्ट टू लेट द कॉन्ट्रास्ट प्लस थोड़ा सा फ्लफीनेस और लाइटनेस टू द वेट एड करने के लिए ये नेट का दुपट्टा बहुत ही अच्छे से इसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. Just look how gorgeous this is. इसके ऊपर बहुत ही सुंदर सीक्वेंस के फ्लावर्स बने हुए हैं ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द दुपट्टा और बॉर्डर तो बहुत ही सुंदर है. लुक एट द ओवरऑल वाइब, बहुत ही रीगल है, बहुत ही म्यूटेड है, टाइमलेस पीस है. आप इसे कभी भी पहनिएगा ये हमेशा ट्रेंड में रहेगा, हमेशा स्टाइलिश लगेगा एंड जस्ट वेरी गॉर्जियस. साड़ीज पहनना तो मुझे बहुत पसंद है और मैं हमेशा आपके साथ कोई ना कोई एक आधी साड़ी जरूर शेयर करती हूँ बिटवीन द लहंगास विच रियली कैचेज माई आई और मैं उसे अपने वार्डरोब में जरूर ऐड करती हूँ. एंड दिस इज वन सच गॉर्जियस सीक्वेंस वर्क वाली साड़ी के ऊपर शैम्पेन कलर और सिल्वर कलर का सीक्वेंस काम है ऑल थ्रू आउट द साड़ी. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस साड़ी इज कि एक तो इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा नाइस सॉफ्ट फैब्रिक है. जब मैं इसे ड्रेप करती हूँ ये बहुत फुली फुली नहीं लगती है, इट इज वेरी फ्लैटिंग ऑन द फिगर. इस साड़ी के साथ में जो ब्लाउज आता है अगेन ऑफ वाइट कलर का है जिसके ऊपर सीक्वेंस का काम है ऑल थ्रू आउट पर वो थोड़ी सी डिफरेंट पैटर्न में है जस्ट टू कॉम्प्लीमेंट द साड़ी. एंड आई थिंक इसके साथ में एक चांदनी मूवी वाइब भी है जो आप देखते थे श्रीदेवी वेयरिंग दिस काइंड ऑफ साड़ीज एंड स्टाइल. सो दिस हैज वन सच वेरी गॉर्जियस वेरी रीगल स्टाइल ऑफ वाइब. तो ये थे मेरे बहुत ही सुंदर लहंगास और साड़ीज जो मैंने एथनिक प्लस से पिकअप किए हैं. आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया देन प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. दैट वुड जेन्युइनली मीन अ लॉट टू मी. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.